सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल निशा महतो ऑफिशियल ब्लॉग्स पे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं कार्टून को लेने के लिए अपना ससुराल। आप सभी को पता है कि कार्टून गई हुई है मायके, कुछ काम था उसको उस वजह से। और अभी उधर मेला वाला भी पूरा चल रहा है तो मेला देख रही है। आज जा रहे हैं हम उसको लेने के लिए। तो चलिए, आज का ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों को पूरा दिखाते हुए जाएंगे किधर से जाना होता है हमारा ससुराल, किधर से रास्ता है उसका पड़ता है। तो चलिए आप सबको दिखाते हुए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा बाइक लगा हुआ है और मम्मी इस बैग में मतलब कुछ कुछ डाल दी है तो इसको भी लेके जाना है। और ये हमारा हेलमेट, चलिए अभी पहनते हैं हम और जल्दी से निकलते हैं बिना किसी देरी के। और आगे आप लोग मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम रेडी हो चुके हैं पूरा। तो चलिए अभी निकलते हैं। इधर मम्मी है बस घर पे, अभी पापा भी गए जा रहे हैं मतलब सालन मेला ना, वो भी निकल गए हैं घर से बाहर, अभी शायद दुकान के पास हैं खड़े, तो वो भी चले गए। और राहुल भैया गया कॉलेज और भाभी भी पता नहीं किधर गई, बाहर गई शायद, नहीं है अभी घर पे। तो चलिए अभी निकलते हैं हम और मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं जोना वाला पेट्रोल पंप के पास में और अभी हम यहाँ से पेट्रोल वगैरह डला के और जस्ट आगे हम रुके हुए थे ताकि आप लोग को यहाँ पर हम थोड़ा सा बता सके बोल के। आप लोग पीछे में दिख रहा होगा पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम। चलिए अभी हम फ्यूल वगैरह सब डला ही लिए तो अभी चलते हैं आगे और आगे जाके मिलते हैं आप लोगों से, दिखाएंगे आगे हम क्या क्या करेंगे सब दिखाएंगे आप लोगों को। आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे लास्ट तक, ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं अभी हम किता पहुंचने वाले हैं और इधर का आप लोग व्यू देख सकते हैं गाइज, काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा है और चारों तरफ मतलब इधर पहाड़ों से घिरा हुआ है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। और अभी ठंड का बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया है, अभी ठंड का मौसम है इसलिए वजह से पूरा कुहासा है। देखिए चारों तरफ लग रहा है जैसे जम्मू कश्मीर में आ गए। अभी हम किता से थोड़ा सा पीछे जस्ट कुलसुद गांव के पास रुके हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि हम ये नॉर्मल सा बाइक लेके आए हैं और ये थोड़ा लॉन्ग ड्राइव के लिए मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करते हैं। और चलिए तब तक आप लोगों को यहाँ का बैकग्राउंड दिखाते हैं किस प्रकार का यहाँ पर नज़ारा है। तो देख सकते हैं गाइज, आप लोग सामने में ही आप लोग को इतना बड़ा बड़ा सा पहाड़ दिख जाएगा यहाँ पे, देख सकते हैं पूरा इधर भी है आगे भी और इस साइड में भी, लेकिन पेड़ से छिपा हुआ है तो दिखेगा नहीं। देखिए यहाँ पे हम अपना बाइक को अभी लगा चुके हैं, थोड़ा देर यहाँ पे रुकेंगे हम, उसके बाद फिर चलेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग लास्ट तक, ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं फिर आप लोगों से आगे। सो गाइज, फाइनली अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपना ससुराल मतलब कार्टून के पास। देख सकते हैं कार्टून का यहाँ पे अभी फिलहाल कोई नहीं है तो सिर्फ कार्टून ही दिखेगी आप लोगों को क्योंकि मम्मी लोग भी गई हुई है मेहमान ही और दीदी लोग भी मेरी जो है यहाँ पे प्यारी प्यारी दीदी लोग, वो लोग भी अपने अपना मायके चली गई है जैसे ही यहाँ पे बैठी हुई थी पहले से। क्या फिलहाल घर पर कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। और अभी आएगा ओम, वो गया स्कूल तो वो आएगा, फिर वो लोग मतलब ओम से भी आप लोगों को मिलाएंगे। कार्टून अभी चाय पिलाई, देखिए यहाँ पे कप रखा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा है लाइट से, तो चाय पी लिए उसके बाद अभी हम लोगों को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कोई नहीं, चलिए इतना मैनेज कीजिएगा आप लोग और मिलते हैं आप लोगों से फिर आगे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे लास्ट तक, अब ब्लॉग को इंजॉय करते रहिए है ना। गाइस अभी आ गए हैं हम अपने किचन पे मुक्कू को लेके, तो वो अभी आए हैं तो हम उसके लिए बनाए थे मछली का सब्जी, तो अभी मुक्कू गर्म होने के लिए दिए थे, ठंडा हो गया है तो देख सकते हैं इधर मुक्कू ही गर्म कर रहे हैं। तो चलिए अब गर्म हो गया है, अब खाना वाना बांट देते हैं और खिलाते हैं। तो दोस्तों, तभी हम लोग जो दोपहर का खाना खाए उसके बाद फिर आप लोग से मतलब ब्लॉग पे हम लोग नहीं मिल पाए
क्योंकि उसके बाद हम लोग चल गए थे मेला देखने के लिए। आज इधर हाँ बगल में ही मेला भी था, तो गाइस मेरे घर साइड हरिहर गए मेला, गए थे वहां मेला जो देखने हम देखकर के लोग। होंगे वो लोग जानते ही होंगे। हाँ बहुत ही ज्यादा फेमस मेला है, हम लोग के साइड भी उधर सब कोई जानता है हरिहर मेला के नाम से। और तो शायद वैसे नहीं बहुत जाने का प्लानिंग था, लेकिन अचानक से चल गए, तो वैसे उसका ब्लॉग भी बनाया है, तो जाके देख लीजिएगा। हाँ आप लोग देखिएगा जरूर से अरे जरूर। हाँ और अभी हम लोग फिर से वापस घर आ गए हैं, और अभी खाना वाना भी हम लोग खा लिए, काफी ज्यादा टाइम भी हो गया है। इधर देखिए अभी एक आ रहा है मेरा देख के, हमारे साला जी। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मिलते हैं फिर किसी नए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।